हाय, हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं रोज बोलती हूँ कैसे हैं आप सभी, मुझे बोलना चाहिए कि मैं ठीक, आप ठीक, हम सब ठीक हैं। और ये शाम हो रही है आज, मुझे सारा दिन जो है ना बहुत सूना सूना लग रहा है। सारा दिन मैं जो है मोनिका के साथ उसी के कमरे में रहना, साथ में काम निपटाना, साथ में खाना खाना, तो मैं जो है मोनिका को बहुत मिस कर रही हूँ। इवन बच्चे भी आज कार्तिक स्कूल से आए और आके सारे घर में कह रहे चाची कहाँ है। फिर अचानक ही कार्तिक को याद आया कि ओह, चाची तो जा चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है कि मतलब एक चहल पहल चाची के रहने से। क्यों बच्चों, बच्चे यहीं बैठे हैं, हेलो करो सबको। गुड इवनिंग। तो बच्चे भी जो है ना वो मिस कर रहे हैं। आज चाची वाले रूम में जाके ही सोए हैं कि चाची नहीं है, कोई बात नहीं, हम सोएंगे तो वहीं पे। ये लोग अभी अभी सो सो के उठे हैं। ये लोग स्कूल से आके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये केशव बता रहे थे कि लंच वंच करने भी ग्राउंड में जाते हैं, आज शायद पीटी का वो पीरियड था तो धूप में खेले हैं, तो काफी थक गए हैं। और ये लोग सो रहे हैं, सो रहे और थे, एक ही दिन पीटी का पीरियड होता है और हमारे मम्मी स्कूल गई हुई में। है एज यूजल मार्केट। उनकी मार्केटिंग खत्म नहीं हो रही है, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता है। आज गई है वो पत्ते लेने, मतलब पूजा में कौन जो से? भी अच्छा, पत्ते और फूल लगेंगे उसमें कुछ जुगाड़ करने गई है, ढूंढने गई है कि कहाँ से मुझे मिलेगा, क्योंकि परसों ही हमें सारा बाहर का सामान सब भेजना है। और घर में भी तैयारी कर रही है, पूरी दोपहर हम लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे, कपड़े लत्ते, श्रृंगार का सामान, जो भी पूजा से रिलेट सामान है, सिंदूर बिंदी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं कर रही हूँ ये डेकोरेट मटका, एक मटका मैं डेकोरेट कर चुकी हूँ। दिखाओ, ये देखिए, फोर साइड से ऐसा ही है सेम। हाँ, सब तरफ से एक जैसा ही है। तो ये मैं कर चुकी हूँ और एक स्पेयर में रखा है, ये अभी बाकी है, ये मुझे करना है, तो मैं लगी हुई हूँ इसमें। और आज मैंने जो हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं था वो कलर बनाया। हाँ, बच्चे जो है कि मम्मी आपके पास सिर्फ 4 कलर्स ही हैं, तो हम आपको ऑरेंज कलर और ब्लू पर्पल ब्लू कलर, पर्पल वॉयलेट कलर, कलर, ब्राउन कलर नेवी हम ब्लू। आपको बना के देंगे। तो ड्राइंग का पीरियड होता है, बच्चे अभी नया नया सीख रहे हैं कौन से दो अगर कलर से। आप रेड प्लस येलो करेंगे तो ऑरेंज ऑरेंज बन बन जाएगा। ओके, फिर अगर हम लोग उसमें ब्लू में मतलब कोई ब्लू भी एंड ग्रीन किसी भी येलो और ग्रीन करेंगे तो ब्लू बन जाएगा। ब्लू बन जाएगा। और अगर कोई से भी कलर लेते हैं ना और उसमें तो अगर ये व्हाइट आपने पेंट मिला देते ब्रश में हैं। ऑरेंज बना के देखा हाँ है, ये देखिए हाँ ऑरेंज कलर है, यहाँ पे भी बना हुआ है। ये रेड एंड येलो मिला के ये हाँ, न्यूज़पेपर पे ट्राई कर रहे थे कि ऑरेंज कलर बनता है या नहीं बनता है, तो और बन उसके चुका बाद है। सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि अगर हम लोग किसी भी कलर को लेके उसमें व्हाइट मिलाते हैं ना तो उसका वो जो लाइट वाला कलर होता है, जैसे ब्लू लाइट ब्लू बन जाता है, ग्रीन लाइट ग्रीन बन जाता है, व्हाइट से प्रॉपर्टी कम हो जाती है। अच्छा ठीक है। और कल आप दोनों का ड्राइंग कंपटीशन भी है है ना, आर्ट ड्राइंग कंपटीशन है, फ्लैग बनाना है। तो आज ये लोग आके यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कि कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है फ्लैग बनाने का जिससे कंपटीशन ये जीते। तो जीतने की जो इच्छा है ना वही बच्चों को आगे बढ़ाती है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब ये हर तरीके के कॉम्पिटिशन्स में एक्टिविटीज़ में भाग लेने लगे और मैं इन्हें मना भी नहीं करती, बस स्टडीज अपनी होमवर्क पूरा रखो, बाकी आप जितनी एक्टिविटीज करनी है करो। इस सैटरडे तो हो गई नेशनल फ्लैग का बनाने का कॉम्पिटिशन, उसके बाद भी 15 उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के सैटरडे पेट्रियोटिक लीडर्स के नेम बताने होंगे सबसे ज्यादा। नहीं, और हाँ, फिर स्लो, उसके थर्ड सैटरडे जो न, इस नेक्स्ट मतलब वीक आने वाले जितने भी वीकेंड है, सैटरडे भी और मंडे भी। अच्छा, मंडे भी। और उसमें उसमें थर्ड सैटरडे में स्लोगन। ओके, और राखी बनाने के कॉम्पिटिशन में भी केशव ने पार्टिसिपेट किया है 6 अगस्त। तो ये पूरी जो है ना इनका टाइम टेबल सेट है कि कब कब क्या क्या होने वाला है, और साथ के साथ होमवर्क भी कंप्लीट करना है, वो भी कंपलसरी है ना। तो अब पढ़ने का टाइम हो गया है वैसे, है ना। हाँ, सो सो के उठ गए हैं, शाम का नाश्ता हो चुका है। आज मैंने लंच में क्या बना के दिया था बताओ? मैक्रोनी पास्ता ना बनाया था बच्चे, वही वो पास्ता ही होता है। एक्चुअली पास्ता मैक्रोनी मिक्स करके ना मैंने बना दिया था, थोड़े से पास्ता बच गए थे और मैक्रोनी ज्यादा थी तो मैंने दोनों को मिक्स करके बना दिया था, बॉईल करके। वैसे तो सेम तो बस नहीं, बनाने का तरीका अलग, शेप अलग होता है ना, तो इंग्रेडिएंट भी अलग डलते हैं, तो बना दिया था मैंने। अब तो ये 6 दिन का ब्रेकफास्ट का चक्कर रहता है। आप सब भी बताइए कि आप सब रोज रोज रात को, ये बच्चे तो स्कूल से आते हैं
और मम्मी कल क्या बनेगा वो पहले ही इन्हें डिसाइड करके मुझे बताना पड़ता है। और सबसे इन सब मामलों में सबसे ज्यादा कार्तिक है। आज क्या बना है, आप कल क्या बनाओगी, स्कूल से आते ही मम्मी कल के लंच में क्या मिलेगा, तो मुझे अप टू डेट रखते हैं ये लोग। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, ये लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं मम्मी कल ये बना देना है ना। और चॉइस भी रहती है, ऐसा करो मैक्रोनी या फिर बैंगन का भरता या फिर पराठा, इनमें से कुछ भी दे देना। तो आज मैंने मैक्रोनी बना दी है और मुझे लग रहा है कल मुझे बैंगन का भरता बना के देना ही पड़ेगा। कल देना, मैं सोच रही हूँ डिनर में ही बना लेती हूँ। क्यों? हाँ। लंच में अच्छा नहीं अच्छा लंच में अगर अगर रात को क्या क्या बोलो बोलो अगर रात को बच जाएगा तो सुबह। हाँ तो सुबह मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसी वजह से। हाँ सही कह रहे हो। और अब मैंने सोचा है कि इन दोनों को ना पराठे देना बंद करूंगी, हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के दिया करूंगी, जैसे चीले बना दिया करूंगी, या फिर अगर सब्जी दूंगी तो सिंपल रोटी बना के दे दिया करूंगी। क्यों? पराठे कभी कभी रोटी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। घर पे भी आप लोग रोटियां खाते ही हो मोस्टली, है ना। तो काफी बातें हो गई हैं, मैं अपना काम कर लूँ, आप अपना काम कर लो, ये सेकंड मटका भी डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर दिखाएंगे, ठीक है। और आप दोनों अब पढ़ने बैठ जाओ। तो आ गई फिर से मैं, और घर में अभी अभी मम्मी घुसी हैं और रात के बज रहे हैं 10:30। माँ माँ गई हुई थी शाम को 6 बजे से। माँ थक चुकी है एकदम, थक गई बाजार से खरीदते करते छोटा छोटा सामान सब। हाँ, करते, करते, है, उधर मिलता है, मिलता नहीं रहता है। हाँ, सब बोरा में ठूस के ले आई। दिखा देती हूँ, ये देखिए सारा सामान रखा है, कपड़े लत्ते आ रहे हैं। मोनिका की फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके अरेंजमेंट करते करते मम्मी थक गई है एकदम, बहुत ज्यादा थक गई है। हाँ, अभी भी कुछ कुछ ऐसा सामान है कि कल भी मम्मी को निकलना पड़ेगा और परसों हमें सामान भेजना ही है। 17 को हमें सामान भेजना है, 18 से पूजा शुरू है, तो काफी बड़ी तैयारी लग रही है ना। कम सब कुछ बनाना है, जो मटके बचे उसको भी रंगना है। अभी आज मैंने आई आई हम एकटा रंगलिए तो हम देख लिए सब गोटा के, एकटा बाकी छे काल करबे, अब काले करो है ना। चलो भूख लागल है तो अब भोजन के लिए, भूख नहीं लागे, हाथ की तकलीफ होता है। हां आटा, आज मम्मी से आटा सनवाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे हाथ में लग गया है, लगता रहता है थोड़ा बहुत, ऐसे ही होता है। हां हमर तो आवाज नहीं जाई थी। हां किया किया नहीं जाती है, नहीं जाई छे आवाज। हां कनी बाजू, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अब इनका बच्चे छे ब्लॉगिंग के बेटा से छीन ले लिया अधिकार, पुतौ छीन बढ़िया छे, कोई कहीं क्या है ना। हम ही सब गोटा मोर्चा संभालो, बस अब काइल इन पिसर बने, वो बने थे ना रिसर्च, तो काइल वीडियो बने, ठीक है, ठीक है। चलो तहन बाय बाय कह दे छी सब के, बाय बाय। अब अहाँ सब गोटा के हमर ब्लॉगिंग नीक लागल तो सपोर्ट करू, सब्सक्राइब करू चैनल के, शेयर करू और खूब अहिना कमेंट दैत रहू, प्यार करैत रहू हमरा सबके, और कोशिश करब अहाँ सबके खुश राख के। और दिन दिन के 10 मिनट हमर सबके अधिकार है, तो ओकर जे छै बढ़ावा के छै, ठीक छै। राधे राधे।